कैसे आप लोग लोग तो हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल गेमर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे फ्री फायर में कुछ आने वाले अपकमिंग अपडेट्स के बारे में, और हमारा जो न्यू करेक्टर आने वाला है जय, जो कि हमारा इंडियन करेक्टर होगा, हमारे ऋतिक रोशन के ऊपर बेस्ड होएगा, उस करेक्टर के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि वो हमें कब देखने को मिलेगा, क्या क्या उसमें देखने को मिलेगा दोस्तों, क्या सीक्रेट है, क्या स्पेशल है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, भाई के 70K करवा दो यार प्लीज़, और यार अगर अच्छी लगे वीडियो तो एक लाइक भी जरूर कर देना मोटिवेट करने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों जो हमारा सबसे पहले अपडेट है वो है हमारे एक और फुटबॉल जर्सी के बारे में, जो कि एकदम न्यू है, आपने इससे पहले ये कभी नहीं देखा होगा दोस्तों गेम में और भी किसी सर्वर में। तो दोस्तों जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है वो फुटबॉल जर्सी, और जो कि नेमार जूनियर की जर्सी है, जो कि ब्राजीलियन फुटबॉलर है, और देख सकते हैं भाई जर्सी तो काफी ज्यादा अच्छी है, ब्लू कलर की है, और जैसा आप लोग देख ही सकते हैं इस पे फ्लाई एमिरेट्स लिखा हुआ है दोस्तों, और साथ ही देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा ओपी है जर्सी। तो आप लोग जरूर बताना आपको ये जर्सी कैसी लगी, और आप लोग इसे 10 में से कितने पॉइंट्स देना चाहोगे दोस्तों। और वैसे तो अब बात करते हैं ये जर्सी हमारे सर्वर में कैसे अवेलेबल हो सकता है, तो इसके यही चांसेस है जब कोई फुटबॉल का स्पेशल इवेंट वगैरह चलेगा तब ये हमें गेम में देखने को मिल सकता है दोस्तों। अभी तो ये किसी भी सर्वर में अवेलेबल नहीं हुआ है, तो हमारे इंडियन सर्वर में तो काफी टाइम लग सकता है इसे आने में। तो दोस्तों अब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट अपडेट हमारे M1887 के स्किन के बारे में है, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ यही वो स्किन है जो कि कई सारे सर्वर्स में वेपन रॉयल में भी अवेलेबल हुआ है, बट हमारे सर्वर में ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, हमारे सर्वर में M60 की स्किन अवेलेबल हुई, तो काफी ज्यादा बुरा लगा दोस्तों। बट मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि हमारे सर्वर में इसके आने के चांसेस नहीं है हमारे वेपन रॉयल में, तो ये हमारे सर्वर में भी वेब इवेंट में आएगा, और देखते हैं अब ये हमारे सर्वर में कैसे आएगा। जहां तक अभी भी इसके चांसेस है ये हमें वेब इवेंट में ही देखने को मिलेगा दोस्तों, इसीलिए हमारे सर्वर में जो हमारा स्टेप अप इवेंट दिया गया था दोस्तों, जिसमें कि हमें M1887 की ट्रॉपिकल पैरेट स्किन 900 डायमंड में देखने को मिली थी, तो ये इसलिए दिया था ताकि हमें दूसरे इवेंट में लूटा जाए दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा गलत किया गरेना ने सब प्लेयर्स के साथ, सारे इंडियन प्लेयर्स के साथ। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि हमारे न्यू करेक्टर जय के बारे में, और दोस्तों बैकग्राउंड नॉइस को करना इग्नोर और बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। सो दोस्तों जैसा आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, यहाँ पर एक पोस्टर निकल के आ रहे हैं जिसमें कि ये सारी डिटेल्स हमें देखने को मिल रही है, और ये करेक्टर जहां तक कि जय करेक्टर है और इसके बारे में लिखा हुआ है, तो मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूं। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर इसके सारी डिटेल्स दिए गए हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप बहुत सारी डिटेल्स है, जैसे हमारे वेट, हाइट, विजन और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक और चीज है जेंडर, मतलब यार जेंडर क्यों दे रखा है, हमें देख के नहीं पता चल रही है मेल करेक्टर है, मतलब यार गरेना भी सस्ते नशे बहुत ज़्यादा करती है, जेंडर भी लिख रखा है वो भी हाइड कर रखा है, भाई जेंडर तो यार हाइड ना करो, हमें देख के पता चल रहा है ये मेल है। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं एज लिखा हुआ है, और एज के आगे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, बट जो 4 के आगे है वो ब्लैंक है दोस्तों। तो ब्लैंक का मतलब क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एज है इसकी 4 है, मतलब 42-48 कुछ ऐसी एज होगी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो ऋतिक रोशन सर है उनकी जो रियल एज है वो भी 46 है, तो इससे हमें ये भी चलता कि हमारे ऋतिक रोशन करेक्टर ही हैं। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, जो इसका लास्ट सीन है वो है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली हमारे इंडिया में पड़ता है, इससे एक और चीज कंफर्म होता है ये हमारे ऋतिक रोशन सर ही हैं। और दोस्तों इसी के साइड में एक डेट भी लिखा हुआ है जिसमें कि लिखा हुआ है 2 अक्टूबर 2019। तो मैं आप लोगों को एक पिक दिखा देता हूं जो कि मैंने गूगल पर सर्च करी, तो जैसा आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर ऋतिक रोशन सर की एज भी लिख रखी है 46 ईयर्स की, और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं वॉर की जो रिलीज डेट है वो भी 2 अक्टूबर 2019 ही है दोस्तों। तो इससे फुल कंफर्म होता है कि हमारे ऋतिक रोशन सर ही है, और ये हमारे गेम में कब अवेलेबल होंगे ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो यहां पर लिखा हुआ है 29 अगस्त को हमारे गेम में ये लोग अवेलेबल हो जाएंगे, मतलब हमारे गेम में हमारे ऋतिक रोशन सर अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये काफी ज्यादा भाई प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारे फर्स्ट इंडियन करेक्टर हमें गेम में देखने को मिला है, जैसे ब्राजीलियन करेक्टर हमें देखने को मिला था डीजे अलोक, वैसे ही हमें ऋतिक रोशन सर भी देखने को मिलेंगे हमारे इंडियन सर्वर में। और यहाँ पर आप लोग जो ये फ्रैगमेंट देख रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं, मैं फुल इमेज आपकी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये हमारे ऋतिक रोशन सर की इमेज है जो कि हमें करेक्टर में कुछ इस टाइप के बंडल के साथ देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आप लोग जरूर बताना आप लोग इसके लिए एक्साइटेड हो या नहीं। तो इसी के बारे में दोस्तों हमारे फेसबुक पेज पर भी चल रहा था बी द हीरो, इस इवेंट के बारे में ही चल रहा था दोस्तों, जिसमें कि 5 डेज दिखाया जा रहा था, और जो कि हमें 29 तारीख को पता चल जाएगा कि यह करेक्टर हमें कैसे अवेलेबल होगा। तो दोस्तों आप
ये। तो दोस्तों आप लोग ये मत सोचना कि ये हमें फ्री में देखने को मिलेगा क्योंकि ये इंडियन करेक्टर है। दोस्तों जहां पर जिस चीज की जितनी डिमांड होती है उतनी ज्यादा प्राइस लेती है टीम, कोई भी कंपनी हो कोई भी टीम हो वो उतनी ज्यादा पैसे लेती है दोस्तों। इसीलिए हमारे यहाँ पर भी ऋतिक रोशन सर की बहुत ज्यादा क्रेज होगी उस करेक्टर की, इसीलिए यहाँ पर भी काफी सारे लोग जो बाय करना चाहेंगे, जो हमारा न्यू जय करेक्टर होगा जो कि हमारा ऋतिक रोशन का होगा, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा डायमंड हम से लेंगे गरेना ये हमारा न्यू करेक्टर लेने के लिए दोस्तों। तो हो सकता है हमें ये एक टॉपअप इवेंट में देखने को मिल सकता है जो कि हमें 600-700 तक के डायमंड का टॉपअप करना पड़े, या फिर हमें ये करेक्टर के रूप में भी देखने को मिल सकता है, या कोई स्पेशल इवेंट टाइप में कुछ देखने को मिल सकता है क्योंकि इसकी काफी ज्यादा क्रेज मचा रखी है अभी हमारे इंडियन सर्वर में, इसीलिए हमें कुछ स्पेशल में ही देखने को मिल सकता है दोस्तों। बट ऐसा नहीं है कि हमें फ्री में देखने को मिलेगा और बाहर के सर्वर में डायमंड में देखने को मिलेगा, हमारे सर्वर में और ज्यादा डायमंड ले सकते हैं दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। सो दोस्तों मैंने आपको इस करेक्टर के बारे में सब कुछ बता दिया, ये हमें कब देखने को मिलेगा गेम में, और भी कई सारे अपडेट्स आपको इस वीडियो में दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज यार अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइज़।